और ये अपना पूरा पैकअप वैकअप हो गया है, फ्रिज हमने खाली कर दिया है, सारा सामान पैक कर लिया, वी आर हेडिंग बैक टू 917 और बर्गर टू कॉटेज। वी हैड लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ यू नो एडवेंचर. एडवेंचर। तो बस अब चलते हैं वापस, क्योंकि घर जाके फिर हमें और भी काम करने हैं, कुछ जरूरी काम है जिसके लिए हमें जाना पड़ा जल्दी, तो हम एक आध दिन और रुक सकते थे यहाँ पे, बट वो पहुँच कर बताएंगे क्या जरूरी काम है। और अभी फिलहाल यहाँ से करते हैं पलायन, पहुँचते हैं घर वापस। सीवर क्लीनिंग करी जा रही है यहाँ पे, मैं यहाँ से ब्लैक टैंक खाली करते हैं यहाँ पे, टैंक करने वाले महीने का महीने आते हैं एक बार और अपना सफाई करके चले जाते हैं। अपने आप आए, अपने आप कर गए, अपने को यहाँ पे अंदर आए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कुछ नहीं, बस अपना आए काम करे और फिर निकल जाएंगे। चलिए आ गए हम वापस, मेन रीजन आने का ये था। कल जाना हमारा कचरा, कचरे में हमारा जाना है, ग्रीन में तो गया ही गया, साथ में गार्बेज भी है और साथ में है ग्लास ग्लास. मेटल प्लास्टिक, तो ये सब सामान कल जाना है। तो वैसे तो उन्होंने छोटा सा बक्सा दिया होता है जिसमें आप सामान रख सकते हो बाहर, जो कि हमारा छोटा मोटा सामान ये है अपना प्लास्टिक व्लास्टिक। इसके साथ साथ वो जो टूटा हुआ शीशा है बड़े वाला, मेन रीजन तो यही है. मेन ये हम ये निकालने के लिए आए हैं, तो हम ये रख देंगे इसके साथ बाहर, फिर कल सुबह देखते हैं। जो ये ग्लास मेटल प्लास्टिक वाले हैं, ये सुबह सुबह 8 बजे के आसपास आ जाते होते हैं लेने के लिए, अगर वो ये ले गए अपना टूटा हुआ शीशा वेल एंड गुड, नहीं लेके जाते तो उसके बाद फिर आएंगे गार्बेज वाले। गार्बेज वाले भी कई बार सामान ले जाया करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई बार ना लोग अपने पुराने सोफे गद्दे बेड वेड सब बाहर रहते थे, तो वो उठा के ले जाया करते हैं, तो उम्मीद पूरी है ले जाएंगे, इसी उम्मीद से उसको रहते हैं हम बाहर। और ये 2 हफ्ते बाद जाना होता है, इसलिए हम लोग आ गए कि फिर हाँ घर पे गार्बेज पड़ा वाले, रहेगा और मम्मी कमेंट पढ़ पढ़ के बोली जाएगी कि आपने हाँ शीशा नहीं निकाला. सुबह पता चलेगा कोई लेके गया या सुबह नहीं. सुबह उठते हम चेक करेंगे कि कहते हैं इसको लेके जाते हैं लेके जाते हैं, नहीं तो फिर देखा जाएगा क्या करेंगे इसका। गार्बेज वाले ले जाएंगे, अगर ये नहीं ले जाए शायद गार्बेज बट वाले वो ले कवर जाएंगे, करना पड़ेगा, अच्छी तरह लिखना पड़ेगा उस पे कि ब्रोकन हाँ ग्लास. कि ब्रोकन ग्लास है, गार्बेज है, इसको फेंकना है, वो देखते हैं कैसे करेंगे, पर फिलहाल लेट्स वेट एंड वॉच टिल टुमारो मॉर्निंग। चलो अब सोते हैं। इन नेक्स्ट डे अपडेट्स, शीशा वहीं पे है पर ग्लास मेटल प्लास्टिक वाला मामला जा चुका है, अब सिर्फ गार्बेज बचा है ना, हमें ये कहता है पंखा भी निकालना क्योंकि पंखा बहुत ज़्यादा शोर करता है, गंदा पंखा है, और देखते हैं कि वो ये लेके जाते हैं लेके जाते हैं गार्बेज वाले शीशे को। भाई आए कचरे वाले और अपना सारा सामान ले गए, यस गया अपना टूटा हुआ कांच गार्बेज में। वापिस आते ही एक और क्लेश क्लेश क्या, चीटियां चीटियां. हमने रात को देखा यहाँ पे किचन में इतनी ज्यादा चीटियां, बड़ी सी लाइन लगी हुई इधर से उधर से उधर. अभी तो चलो थोड़ी कम दिख रही होगी आपको वीडियो में, क्योंकि हम तो रात को थोड़ा सा बदला गए थे इतनी चीटियां देख के. तो मैंने नेट पे सर्च किया जल्दी जल्दी, वो कहते हैं सिनेमन डाल दो, कुछ नहीं है, तो मैंने सारी सिनेमन फैला दी है आस जगह जितनी भी जगह जगह पे, पे, यहाँ से पीछे तक जा रही है. और अमेजोन से 2-4 चीजें ऑर्डर कर दी कि जिससे होपफुली चींटियाँ ये अंदर वाली चली जाए. बट मुझे नहीं पता इसका वो परमानेंट इलाज होगा या नहीं होगा, बट अगर आपको कोई इलाज पता है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए मुझे, ये मैं पहले ही कह रही हूँ. बट अभी हाँ जो सामान लेके आए हैं सनी, वो अभी वो चढ़ते हैं सामान फिर देखते हैं। हाँ सनी वो लेके आओ अमेजोन से. मैंने 2-3 चीजें जो मुझे समझ आई ना सब ही ऑर्डर कर दी एक आधी की जगह,
सारी ऑर्डर कर दी। मैं कहा चलो सारे ट्राई कर लेते हैं, सभी रख देते हैं, बिकॉज किचन के अंदर चींटियां वैसे तो कुछ कहती नहीं है, बट यार चींटियों की मुसीबत यही है कि कहते हैं अगर पास चला कहाँ से आनी शुरू हुई है अंदर, ओरिजिन सोर्स पास चल रहा है, फिर इजी होता है वहां पे, कहते हैं कुछ डाल दो या उस जगह ब्लॉक कर दो, पर हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि इतनी जगह फैली हुई है हर जगह, यहाँ से लेके यहाँ से नीचे। हाँ दरवाजे अपने बंद है, सील है सारा कुछ, पर समझ नहीं यार कहाँ से निकल के आ रही है। कुछ टाइम पहले ना गैराज डोर वाली साइड से निकल के आई थी, तो हमने वहां पे भी ऐसी सिनेमन छिड़का था, फिर वो थोड़ा बहुत बंद हो गई थी आनी, उसके बाद फिर नहीं आई बहुत टाइम तक। अब वो पिछले पिछले साल की बात है, थोड़ा बहुत ही थी वो तो, इतनी सी जगह पे थी, बट ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा हाँ अभी तो कार्पेट भी नीचे भी यहाँ पे खूब सारी है, इधर भी यहाँ भी, कल देखा हमने कार्पेट नीचे बहुत सारी भरी हुई थी, अभी तो खैर कम हो गई है, कम हो गई है इसलिए, मतलब असर कर रहा है, बट ये मुझे लगता है सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन ही है, परमानेंट सोल्यूशन तो इसका नहीं है। तो वो जो मैं अमेज़न से तीन चार चीजें मंगाई है वो अभी यूज करके देखते हैं, बट वही है अब समझ में नहीं आ रहा आनी अंदर शुरू कहाँ से हुई है, वो जब चीज पता चल जाए ना एक बार, और फिर तो पता चल जाए कहाँ पे है इनकी रानी। हाँ कहते होते भाई, कहते हैं जो इनकी रानी होती है, जैसे अगर यहाँ पे सेटलमेंट उन्होंने बना ली है इस घर के नीचे आसपास कहीं भी, तो जब तक वो रानी जो है वो नहीं मरती तब तक ये चींटियाँ नहीं बननी होंगी। और कहते हैं कि भाई जब चींटियाँ धीरे धीरे खाना लेके जाती हैं ना रानी तक पहुँचाती हैं खाना ले जाके, तो जब अभी हम जो सामान लेके आए उसमें कुछ हमने कुछ वो है कुछ पाउडर पाउडर है उसमें, हाँ तो जब वो थोड़ा क्या आर्टिकल पाउडर टाइप है वो, हाँ वो दिखा ऐसे ही कुछ देखते हैं, तो फिर कहते हैं कि भाई जब वो चीज जो है जो रानी तक पहुंचेगी जब तक रानी मरेगी तब तक यहाँ बंद नहीं होंगी। बड़े और चूहे भी देखे हैं बाहर, दो मोटे मोटे चूहे वहां से इधर उधर जाते हुए, वो अंदर आ जाए कहीं दरवाजा खुला ना रह जाए, अंदर आ गए तो फिर तो गया। मैंने बीवर भी देखा था यहाँ पे, बीवर तो चलो अंदर नहीं आएगा ना, चूहे खतरनाक बना रहे हैं इसका, तो लोग कह रहे हैं तो पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ेगा अपने चींटियों का। अच्छा गूगल पे सर्च किया तो क्या करना है, ऐसी नौबत ना ही आए ऐसे ही हो जाए, बट ये तो कलेश ही है सीरियसली। और आए भी किचन में है, और एक और हमारा शीशा टूट गया वापस आते ही, कांच वाला अपना नमकदानी वो गिरी ऊपर से टिश, मैं कह अपना तीसरा शीशा है जो टूट गया अब पता नहीं है अच्छा है बुरा है क्या है, कितने और टूटने हैं, कितने और टूटने, कौन सी बला आ रही है, ये टल गई है या क्या है। फिर तो सारे मिथ्स निकल के आएंगे, बब्बी को पता चलेगा एक और शीशा टूट गया, फिर बब्बी सोचेगी अच्छा ये अच्छा हुआ बहुत अच्छा हो रहा है या फिर ये खराब हो रहा है। चलो वो तो ऑफ द डिस्कशन हो गया, बट वो लेके आओ अमेज़न वाला सारा सामान, हमने चक्कर में ना इसको भी बंद कर दिया छोटू चलना कि भाई ये सब साफ कर देगा, सिनेमन जो हमने डाल रखी है यहाँ पर, वैसे ही गुस्सा हुआ अभी। हाँ जितने का खुद नहीं है उससे ज्यादा महंगा शीशा हमारा तोड़ दिया। चलो वो तो अच्छा, वो गार्बेज वाला ले गए विच इज गुड थिंग, तो अब वो टेंशन अपनी खत्म हो गई। एंट किलिंग पाउडर ठीक है, यही है जो मेन छिड़कना होगा हर जगह पे, और ये जो है अच्छा लिक्विड एंट बेट, देखते हैं इसको कहीं पे शायद रखना हो, सारी तेरी टी शर्ट ना मैच कर गया। ओ, कोई नहीं, और ऐसे ही ये क्या बोला, ये भी एंट बेट ही है कुछ। ये तो समझ आ गया मुझे, ठीक है इसको ऐसे खोल के रख देना जहाँ जहाँ पे चींटियाँ है, ये वाला इन्होंने कहा कि चिपकाना है, ये चिपकाना है बट ये वर्टिकल सरफेस पे चिपकाना है, ये तो काट के यहाँ से ऐसे रख देना कि चींटियाँ इसके अंदर चले जाए। उसके अलावा ये पाउडर है, ये तो वो ही करना होगा मेरे ख्याल से, कहाँ स्प्रे करना है कि कहते हैं पता चले ये स्प्रे कर दिया उसके बाद वो पारी ना कर पाए इस तक पहुँचने के लिए। हाँ पाउडर भी रख देते हैं, ये भी रख देते हैं, दूसरी चीज भी रख देते हैं, चलो जैसे तुझे और क्या, आप सारी चीजें लगाते हैं जो काम करेगा करेगा कर जाए बस, हाँ बस काम कर जाए। तो अभी ये है कि इसको रखते हैं, ये क्या होता है कि ये लिक्विड है इसमें थोड़ी स्वीटनर, मतलब इसी लिक्विड के अंदर पॉइजन पूजन भी है, तो कहते हैं कि ये इस लिक्विड को जब अपने वहां पे ले जाती हैं अपने नेस्ट तक जो भी उनके कहते हैं वहां तक, तो कहते हैं इसका असर इतने में होता है कि यहाँ चींटियाँ यहाँ से ले जाके वहां तक ट्रांसफर कर दें, इतने टाइम वो रहती हैं उसके बाद फिर इसका असर शुरू होता है, फिर वो मरनी शुरू हो जाती हैं। कहते हैं ये रख दो हफ्ते के अंदर पूरा आपको असर दिख जाएगा कहते हैं इससे, बाकी ये तो वही है अपना छिड़क दो तो जैसे जैसे ले जाती जाएंगी अपने वहां पे
नेक्स्ट तक तब तक होता रहेगा। और इसकी कहानी भी वैसी सी कुछ है, इसके अंदर भी वही है अपना लिक्विड टाइप, तो इसमें घुसेंगी फंसेंगी फिर। चलो लगाते हैं, सब चीज़ें लगा लेते हैं एंड लेट्स होप कि टाइम से कम हो जाए चीटियाँ आनी। पर ये नहीं समझ मम्मी लोगों के आने से पहले पहले मम्मी के आने से पहले पर मुसीबत है मेरे को तब भी जानना है कि घुस कहाँ से आई है, एंट्री पॉइंट वो ऐसे समझ में आएगा नहीं अपने को। उसमें देखा होगा खोल के दरवाजा, मैं कहा ये तो पूरा मामला सील्ड है, मैं कहा पता चला कहीं यहाँ से कहीं बाहर से अंदर आ रही हूँ तो यहाँ पे कहीं पे लगा दो, पर बाहर से तो यहाँ से कहीं अगर आनी नहीं आती हुई, चलो अंदर से ही कहीं से निकल के आ रही है नीचे से। सर मुझे लग रहा है वहां जा रही है, वहां कौन अंदर जा रही है? हाँ। देखा अंदर जाते हुए? हाँ। एक भी देखी तेरे को? हाँ। वैसे देख सामान तो उठा रखा उन्होंने, वो देखिए अब जाती है, देखा सामान उठाया हुआ है, अब ये देखते हैं कि जाती कहाँ है सामान लेके। देखिए नहीं अंदर तो नहीं गई, देखिए यहाँ से अंदर घुस रही है सामान लेके, देखिए यहाँ पे यहाँ अंदर से बाहर निकलती नजर आई मेरे को, देख सामान लेके वहीं जा रही है, देखिए है ना यहाँ पे, यहाँ पे अंदर यहाँ से हाँ यहाँ पे कहीं पे, देखिए यहाँ यहाँ जा रही है अंदर। चलो वहां रख दो फिर, यहाँ रख दो, एक तो यहाँ रहता हूँ मैं, वही पढ़ रहा था मैं, क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम ही है, इसके अंदर भी वही लिक्विड टाइप है, बस उसको ऐसे तो रखना है, इसको ऐसे रखना, इसको लटा के रखना है, इसको खड़े रखना है। मैंने कहा अभी ये वाला हमने लगा दिए थोड़े बहुत, तीन ये लगा दिए हैं, अब इन जहाँ जहाँ लगाए हैं वहीं सेम जगह आप इनको लगाने का क्या फ़ायदा, इनको हम बाद में लगा लेंगे, फिलहाल के लिए हम ये करते हैं ये छोड़ देते हैं सारी जगह पर, तो जो मेन इलाका है जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दिख रही हैं चीटियाँ। अगर आप यहाँ पर कहीं पर रहते हो, यहाँ पर US में आते हैं, वो तो सेम ही चीज़ है, और आप ये चीज़ ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हो, उसका आपने कोई इलाज किया है या कोई सक्सेसफुल इलाज, तो बताइएगा ज़रूर कि हम आगे के लिए भी कैसे रोक सकते हैं इन चीज़ों को होने से। और बाकी बाहर चूहे भी हैं, चूहे तो कोई नहीं अंदर नहीं आ रहे जब तक, मतलब ये थोड़ी कि जब तक चूहे अंदर नहीं आता तब तक कुछ करेंगे नहीं, तो उसके लिए भी अगर कोई इलाज हम बाहर ही कुछ कर पाए कि यहाँ पे चूहे आने कम हो जाएं, तो जहाँ जहाँ सिनेमन छिड़ेगा उसको भी छिड़क दूँ सारा। और नहीं ओ ये सिनेमन आगे आ गया ना, ये पीछे पीछे बेसबोर्ड पे कर देते हैं। चलो ये हमने अपनी तरफ से जितना हो सकता था कर दिया काम, अब तो बस इंतजार है और समय बताएगा, दुआ करेंगे हम लोग, दुआ करते हैं कि जल्दी असर हो और हम चींटियों से मुक्त हो, हमारा घर चींटियों से मुक्त हो। हाँ। बाकी इंतजार तो रहेगा आपके कमेंट्स में। हाँ। आपका बाकी एक भी चींटी दी गई है अभी तक अंदर? हाँ वो जो कहते हैं लिक्विड रखा था 10-15 मिनट हो गए रखे हुए, पर अभी तक एक चींटी अंदर उसके अंदर घुसी नहीं। स्मार्ट है चींटियां भी, चींटियां स्मार्ट है। चलो एनीवेज बाकी हाँ पीछे अगर वीडियोस में आ रहा हूँ ना, इसकी हालत अभी खराब हुई पड़ी है यहाँ पे, वहाँ पे कॉटेज में तुम सही थी को दिक्कत थी, हमें लगा था हमें लगा कॉटेज में जंगलों वाला इलाका है वहाँ पे शायद दिक्कत होगी, इसको ज्यादा एयर प्यूरीफायर भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बस मैंने अपनी नोज स्ट्रिप लगा ली थी एक। हाँ। और बस उसी से हो गया था, बस नोज स्ट्रिप क्या करती है खोल के रखती है। हाँ। तो पर यहाँ पे भैया बाहर पोलन वोलन काफी है, तो इस चक्कर में जितना मर्जी अवॉइड कर लो हो जाता है, पीछे पीला हुआ पड़ा। एनीवेज तो फिर पता क्या है, क्योंकि अपना घर के सामने पार्क है ना, हाँ, तो इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह बहुत ज्यादा है, तो बट वहां तो जंगल था जंगलों में भीड़ कम होती है ना, कि जंगलों में पेड़ पूड़ होते हैं। चलो एनीवेज हमें लेट्स नॉट गेट इनटू दोस थिंग्स, ये चलता रहेगा, वी हैव टू लिव विद इट। एनीवेज करते हैं अगली वीडियो यहीं पे समाप्त, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक बी होप होपफुली चिड़िया चली जाए, चिड़िया चले और फिर और कोई कलेश ना हो, और कोई कांच कूच ना टूटे। हाँ। या फिर और कुछ बाकी चीजें सही रहे, चलो कोई हमें नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ। इस चीज का जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, बला टल रही है कोई ना कोई। हाँ। तो हम ऐसे ही लेंगे इसको, बट चीटिया इज अनोइंग, छोटू भी काम से हट गया, छोटू ने इसलिए हटा रखा है, नहीं तो सारा साफ कर दो। मुझे तो ऐसे चुल मचती है कि जल्दी जाके वैक्यूम कर दूं, ये सिरमन गिरा हुआ ना बड़े, मुझे लग रहा है कि गंदगी बहुत मची हुई है। चलो चलो कोई नहीं, बहुत बड़ी, चलो चलो कर ले, फाइनली चलो, फाइनली बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक